Hey guys, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. और हम जा रहे हैं ट्रिप पे. So it's Krishav's first flight. Krishav की first flight. Clap पे. हम 1.5-2 साल से तो flight में गए नहीं, क्योंकि पहले pregnancy थी और फिर ये आ गया था ये बब्बू. क्योंकि एयरपोर्ट बहुत कंटेमिनेटेड होते हैं तो स्टार्टिंग इनिशियली हमने प्रेफर नहीं किया फ्लाइट लेने का. हम जहाँ जाते थे रोड ट्रिप पे जाते थे, बट अब आज हम फ्लाइट पे गई जा रहे हैं. 8 months प्लस एंड अब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला है टुडे. और पता नहीं क्या होगा मेरा. 2 hours 50 minutes की फ्लाइट है, उतनी देर इसको कंट्रोल करना एक सीट पे वुड बी अ चैलेंज. कि मुझे छोड़ दो बस और मुझे जाने दो. अब पता नहीं कैसे मैं 3 अराउंड 3 hours को कैसे मैनेज करेंगे. लेट्स सी. सो फर्स्ट डेस्टिनेशन इज चेन्नई, तो अभी हम चेन्नई जा रहे हैं. बट मेनली हम जिसके लिए जा रहे हैं वो हम बाद में आपको बताएंगे. और इसने देखो टी शर्ट भी फ्लाइट वाली पहनी है. यस स्पेशली किशव अच्छा डांस कर रहे थे. डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक. अच्छा किशव सौदा खरा खरा टाइगर की आवाज. गुड जॉब. ओके राधा कृष्ण जय जय. ओ गुड जॉब. भूख ना लगी. कितना टाइम है? 8 बजे उठा था तब खाया था. 8:30-9:30 10 तो बजने वाले हैं. अच्छा 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 पैनकेक्स. वी आर हैविंग banana pancakes. Wow. Meal one. So guys, we have reached the airport terminal 2. Terminal 2 comparatively बहुत छोटा सा है. मेट्रो स्टेशन वाली फील आ रही है. सो एज यू नो बेबी के साथ ट्रैवल करना इज वेरी टफ. और एयरपोर्ट में तो वैसे ही टफ होता है ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी फॉर्मेलिटीज होती है. सो ऑलवेज कैरियर बेबी कैरियर. तो ये एक्सपेक्ट करते हैं अरे चेन्नई की फ्लाइट है फ्राइडे को. पूरी फुल है यार. बट पूरी फुल है और अब बजेगा मेरा बजा. बाप रे हालत देखो भाई. सिक्योरिटी से बाहर आने में बैंड बज गया मेरा तो भाई. मैंने गलती से ना पंप रख दिया उसमें. मेरे को पकड़ना नहीं चाहिए था. मेरे को याद भी नहीं आ रहा. मैं इतना सामान लेके जा रही हूँ मुझे याद भी नहीं कि कौन सी चीज कहाँ पर बन रही है. आउट हो चुका मेरे दिमाग से. अब ऊपर फूड कोर्ट है और गेट्स यहाँ पे है. शांति चाहिए. बैठ जा तू बैठ जा. हमारे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बट फ्लाइट में जाने से पहले पायल उसका डायपर चेंज कर रही है सो दैट फ्लाइट के टाइम पे ना करना पड़े, बिकॉज वहाँ स्पेस बहुत कॉम्पैक्ट होती है. तो अभी राइट नाउ इट्स 11:30. 12 बजे तो डिपार्चर है. पौने बारह तक बंद कर देते हैं गेट. भाई भागो 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 भागो. Finally we have boarded. बहुत tough है भाई बेबी के साथ. मेरे को लग रहा है बोली वो बनाना चाहिए था. मुझे एक रील बनानी चाहिए थी जिसमें हम बोलते ना बिफोर बेबी आए पिक्चर्स क्लिक कर भाई एयरपोर्ट पे वो, और आफ्टर बेबी ये कर रहा वो कर रहा कुछ भी खत्म नहीं हो रहा. भाग क्या है लेटर. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमें टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे फीड कराना चाहिए. सो आई एम डूइंग द सेम. पहले कर दिया तो मैंने पहले भी, क्योंकि ऋषभ वॉज वेरी स्लीपी एंड वेरी हंग्री, मैंने उसे फूड करा के सुला दिया. अब आगे पता नहीं क्या होगा. टेक ऑफ के टाइम कान में दर्द. हाँ जनरली बेबीज के होता है कान में दर्द, बट आई थिंक स्मूथ रहेगा. तो आई कैन मतलब मैं उसको फीड कराती रहूंगी जैसे ही उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा.
जब सो रहा था तो माँ का क्या था पापा का? किशा किशा हाय अभी हाँ अभी देख रही कहाँ पे आ गया हूँ मैं। अब मैं उधम हो जाऊंगा आराम से वन आर के राउंड सो गए तो शब खा तो कुछ नहीं सकता पर देखो मिला कितना कुछ। अभी से मीनिंग नहीं पता चॉकलेट क्या होती है चॉकलेट वाले बिस्किट क्या होते हैं है ना किशा मुझे नहीं पता बस मुझे इसको आवाज से है कि इसमें आवाज आ रही है मजा आ रहा है। कृषभ की एनर्जी एकदम हाई हो रखी है और उसके पापा की एनर्जी एकदम लो। As we have reached Chennai finally, फिर हम जाके आराम करेंगे। चेन्नई एयरपोर्ट काफी अच्छा है, so we are staying at Taj Konnemara, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर कोनेमारा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर अभी और ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद दोबारा ट्रैवल करना है। अभी तो बैग हंट शुरू होगा। कितना भूला यार ऋषभ तो देखियो फ्लाइट में ये अपना ये भूला था कोई आंटी ने हमें दिया अभी भाई पूरी फ्लाइट में ना इधर पास ऑन इससे बात है निकल के से मुझे लगा था कैसे टाइम कोई टॉयज काम नहीं आते और मेरे को लगा कैसे निकलेगा ये टाइम 3 घंटे का बट इट वाज अमेजिंग कि लोगों ने इतना हैंडल कर लिया इसको कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा था कुछ करने का। Yes. Oldest Taj Hotel in Chennai, sir. Oldest? Yes. 132 years. Exploring Chennai. So we are going to Marina Beach अभी और हमारे होटल से 3-3.5 किलोमीटर है बट ट्रैफिक इतना है यार चेन्नई में कोई नहीं देखते हैं। चेन्नई कोई हश पश वाली सिटी है ना। अरे बाप रे। So we have reached Marina Beach और कृषभ को बहुत नींद आ रही है because वो बहुत tired था and हम रास्ते में सोचते रहे कि वापस चले जाते हैं but it's okay कभी कभी थोड़ा cool down भी होना चाहिए और कुछ चीजें। This beach is the longest beach in Asia और second largest beach in world। गड़ा भाई दूर दूर तक बीच दिख ही नहीं रहा सिर्फ ऐसा लग रहा है राजस्थान में आ गए। So after काफी सारी मेहनत we are finally on the beach. So after coming back from the beach हम इतना थक गए थे कृषभ भी सो गया मैं भी सो गया
नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर. काफी शांति है, काफी शांति. तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं. कल हम आए थे चेन्नई, यहाँ पे रुके एंड देन वी एक्सप्लोर चेन्नई अ बिट. आज हमारा कुछ और प्लान है जो कि हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, जो कि बहुत 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 स्पेशल है. डोंट मिस दैट ब्लॉग एट एनी कॉस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिट टिल हेयर. हमने पूरा अपना एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताया, कृषभ का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस, एंड थोड़ा बहुत चेन्नई दिखाया, मरीना बीच विच इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच. मतलब अगर स्टार्टिंग में देखें तो वो ऐसा लगता है डेजर्ट है, बट एक्चुअली में एंड तक जाते जाते बीच आ जाता है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, सो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम आवर होटल एंड गोइंग टू द डेस्टिनेशन वी एक्चुअली केम फॉर हियर फॉर.